दस साल पहले मैंने एक पेपर शुरू किया था नेचर वॉच, चाहता था उसमें खुली पत्रकारिता हो और खबरें किसी न्यूज एजेंसी से ना खरीद कर अपनी ही खबरें हों। आरटीआई मौजूद था उस वक्त की, आरटीआई उससे पहले भी मैं फाइल करता था। 2005 और 6 में मुरादाबाद में पुलिस भर्ती हुई थी। पुलिस भर्ती में अनेक अनियमितताएं सामने आई, ये लगातार चर्चा थी। उन्हीं अनियमितताओं को उजागर करने के लिए, लोगों के सच्चाई सामने लाने के लिए मैंने आरटीआई फाइल की। मुरादाबाद के एसएसपी से पूछा, वर्ष 2005-06 में जो पुलिस भर्ती हुई है उनके जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके नाम पतों की लिस्ट और आरक्षण क्या था और कितने लोगों का चयन हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे पत्र मिला जिसमें 58,000 कुछ रुपये की डिमांड की गई। मैंने उसकी डिटेल पूछी एसएसपी कार्यालय से, डिटेल गलत गैरकानूनी विरोधाभासी थी। मामला कमीशन गया, राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मेरी बात को सही मानते हुए एसएसपी मुरादाबाद के पीआईओ पर 25,000 का जुर्माना किया। 25,000 का जुर्माना हुआ। लखनऊ से खबर छपी, मुरादाबाद ने भी तमाम सियासी समाजी और पुलिस के अहलकारों को पता हुआ कि एसपी देहात मुरादाबाद पे 25,000 का जुर्माना सलीम बेग की आरटीआई की वजह से हुआ। एसएसपी कार्यालय, पुलिस, एलआईयू, आईपी के लोग सक्रिय हुए, तमाम दलाल सक्रिय हो गए। वो मुझे डराने धमकाने लगे, कहने लगे अपनी आरटीआई को वापस ले लो और इस आरटीआई का करोगे क्या। मैंने बताया कि खोजी पत्रकारिता का भी कोई मतलब हुआ करता है और ये मैं जमीनी ग्राउंड लेवल की एक खबर आम जनता तक लाना चाहता हूँ और मैं इसको वापस नहीं लूंगा। मेरे ऊपर एक प्रॉपर प्रेशर आया तो मैंने फौरन चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आयोग नाम के जो कारखाने खुले हुए हैं इन सबको मैंने टेलीग्राम किया। उस वक्त टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध थी। बट नेक्स्ट डेट आई, ये फिर मैंने सीधा सीधा कमीशन को भी बताया। मेजर संजय यादव सूचना आयुक्त हुआ करते थे, उन्होंने मेरी बात को संगीत से लिया और मुझे 24 घंटे का एक नोटिस मेरी तरफ से जारी किया एसएसपी मुरादाबाद को। उनको तलब किया गया, वो नहीं आए। एसपी देहात पहुंचे, उन्होंने अपनी झूठ मिथ्या है कहानी पढ़ दी और मुझे इन्फॉर्मेशन देने की जगह घेराबंदी उन्होंने मेरी शुरू कर दी। नेक्स्ट डेट पर जब मैंने अपनी सारी दास्तान बताई कमीशन को तो कमीशन ने सीधे सीधे एसएसपी मुरादाबाद, उस समय प्रेम प्रकाश हुआ करते थे, उन पर 6,000 रुपए के कंपनसेशन उनकी सैलरी से काटने का आदेश दिया। उस वक्त की मीडिया में ये पता लगा, खबर छपी कि ये राष्ट्र का पहला निर्करण है जो किसी आईपीएस की सैलरी से 6,000 रुपए का कंपनसेशन और दूसरे आईपीएस की इस सैलरी से 25,000 रुपए पेनाल्टी के रूप में वसूला जाना है। मामला संगीन हो गया, मेरे खिलाफ एफआईआर हुई। क्योंकि मैं चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम आला अफसरान को लिख चुका था कि मेरे साथ ये घटना घट सकती है और मेरे ऊपर प्रॉपर प्रेशर है, नतीजा ये हुआ कि मेरे खिलाफ जो दो एफआईआर हुई वो हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया। लेकिन मेरे खिलाफ और बहुत सारी साजिश होती रही, मुझे भी कुछ किसी माध्यम से पता लगता रहा। मैंने अपना क्षेत्र छोड़ दिया, 6 महीने तक मैटर ग्राउंड रहा। लेकिन 6 महीने के बाद जब मैं रात को 12 बजे अपने घर पहुंचा, सो गया। सुबह उठा 8:30 बजे, पोलियो की दवाई पिलाई जाने का एक कैंप हमारे घर के पड़ोस में लगता था। कुछ लोगों ने उस कैंप का बहिष्कार कर दिया और पोलियो पिलाने की दवाई पिलाने से मना कर दिया बच्चों को। वो मुझे ठीक नहीं लगा, अटपटा लगा कि पोलियो की दवाई पिलाना चाहिए, कोई भी क्रोध अगर है सरकार की किसी चीज से तो उसके माध्यम हो सकते हैं। मैं अपने आप को घर में ही रोक सका, बाहर आया, मैंने पोलियो के उस विरोध को शांत किया। 10 या 15 मिनट बीते थे कि पुलिस आ गई, कहने लगी, सलीम ने तुमसे कुछ काम है, कोई लेटर है तुम्हारा हाईकोर्ट का आया हुआ है, चलो थाने चलो। मैं सब मामले को समझ गया, थाने गया, थाने में मुझे अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी एफआईआर के। पहले पकड़ा गया, फिर एफआईआर मेरे सामने लिखी गई। उस वक्त एसओ हुआ करते थे एसएचओ मिस्टर पंकज त्यागी, उन्होंने सीधा मुझे बोला कि मुझे अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया ताकि मैं तुम्हें पकड़ के जेल ले जाऊं। और जो उस मेरा फोन था वो उन्होंने उस वक्त ले लिया था, वो फोन मुझे वापस दे दिया कि तुम्हारे साथ सिर्फ फैल ये है
कि तुम जिसे चाहो फोन कर सकते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, लोग भी जानते हैं। तो मैंने कहा भलाई इसमें है कि तुम जो भी लिखा पढ़ी कर सकते हो आधे घंटे के अंदर कर लो, वरना माजरा दूसरा हो सकता है। उन्होंने फौरी तौर पर जिला मुख्यालय मुरादाबाद मुझे भेजा और उनकी लिखा पढ़ी आधी अधूरी थी। कोर्ट में मुझे पेश किया गया, सारे मीडिया मीडिया के साथी मेरे साथ मौजूद थे, कुछ वकील साथी मेरे साथ मौजूद थे। कोर्ट में जब पेश किया गया तो जो जज साहब थे उस वक्त, उन जज महोदय की हालत ऐसी थी जैसे हम पिक्चरों में देखा करते हैं। कई बार तीन बार उन्होंने जल्दी जल्दी पानी पिया और पानी पीने के बाद कहने लगे, दरोगा जी ये तो आधा अधूरा केस है, इसमें इसको कैसे करूँगी, आप ऐसा करो कल 11 बजे तक मेरे पास फिर लेके आना। और मुझे थाना सिविल लाइन की बैरक में राहगीर के रूप में रोक दिया गया। हालांकि जब मेरे खिलाफ कोई FIR पुख्ता सबूत ऐसे नहीं थे और पुलिस कार्रवाई की जो लिखा पड़ी है उसमें कमी थी, तो मुझे या तो घर भेजना था या जज को जेल भेजना था। बट ऐसा ना करके उन्होंने पुलिस की मदद की, जिला प्रशासन की मदद की और मुझे बैरक में रोक दिया गया। मैं सीधा सीधा जेल चला गया। अगले दिन को जेल से छूटा, आज 10 साल 2 महीना 24 दिन हो गए, मेरे दो केस IP कोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें चेष्टी गवाह जिसको दिखाया गया था वो 8 महीने पहले कह चुका कोर्ट से कि मैंने इनको किसी भी केस में शामिल नहीं देखा और वो उससे इनकार कर चुका। एक केस जिसमें वादी ने ये कह के इनकार कर दिया कि मैंने कोई FIR नहीं कराई और मैं इनको जानता तो हूँ बट मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी। इस सब के बावजूद कोर्ट का रवैया भी, जो लोअर कोर्ट है मुरादाबाद का ACGM 2 और CGM कोर्ट, वहाँ से 10 साल बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मुझे ये लगता है कि इस तरह के केसेस में या जिस तरह का व्यवहार मुरादाबाद की कोर्ट का चल रहा है, हम जैसे लोगों को जानबूझकर अदालत का अपमान करना पड़ेगा, तब शायद हमें ये इंसाफ का रास्ता प्रशस्त हो। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, 70 साल हो गए, चौथा स्तंभ अभी तक अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा सका। इस तरह से एक गांव देहात कस्बों और छोटे शहरों के पत्रकारों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती आज से नहीं शुरू से होती चली आ रही है लेकिन अब बढ़ गई है, तो उसको प्रोटेक्शन दे सके, उसके लिए कवच का काम कर सके। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।